नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ 99 के माध्यम से हम पुराने बस स्टैंड पर जिस जगह के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़े व्यवसाय के लिए बेच दी गई, जिसमें करोड़ों रुपए का उसमें सौदा हुआ है, शासकीय भूमि का सौदा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अनेकों क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब यहाँ पुराने बस स्टैंड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ दुकानें यहाँ पर काफ़ी वर्षों से यहाँ पर लगी हुई थी, जिनका अस्थायी पट्टा शासन के ही द्वारा जारी किया गया था 14/1 और 14/2, जिसमें प्रशासन के द्वारा 14/1 पर स्टे होने के बावजूद भी कार्रवाई की गई है। अब ये कार्रवाई किसके आदेश पर की गई है और कोर्ट की अवहेलना क्यों की गई है, क्योंकि इसमें 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने पेशी दी थी और 3 जुलाई में शिकायतकर्ता के द्वारा पेश होना था और इसमें प्रशासन के लिए जवाब देना था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान न देते हुए हाई कोर्ट की आदेश की अवहेलना की है और यह पूरा विवाद बना हुआ है। इसमें जो मिश्रा परिवार हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कब से स्थापित हैं और आपके साथ में जो अन्याय हुआ है वह क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यह दुकान जो आप टूटी है, कल प्रशासन के द्वारा तोड़ी गई है, कितने वर्षों से आपके कब्जे में थी? ये हमारे जब दादाजी थे उनके समय से यहाँ पर, हमारे दादाजी पहले होटल चलाते थे, फिर हम लोग ने होटल चलाई, अभी भी मोबाइल का व्यवसाय हमारा। आप इस स्थान पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे कि शासन के द्वारा आपको कोई अथॉराइज किया गया था? हमारे दादाजी को शासन द्वारा उस समय के कलेक्टर द्वारा ये भूमि अपने रोजगार के लिए अलॉट की गई थी, तो उसी पे हम लोग अपना रोजगार चला रहे थे। अभी भी हम धारणाधिकार के तहत इसके पास हैं, जिस कारण उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपके द्वारा हाई कोर्ट में रिट लगाई गई है, तो उसमें कैसा क्या है उसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। रिट हमने ये लगाई थी कि जो हमें नायब तहसीलदार साहब द्वारा, नायब तहसीलदार जी जो हमें बेदखली के आदेश भेज रहे थे, उसके अनुसार उनके रिकॉर्ड में हम 14/2 पर स्थापित थे। बाकी जो पूरा नक्शा देखा जाए तो 14/2 यहाँ समाप्त हो जाता है और हम 14/1 के 33 नंबर प्लाट पर काबिज थे, तो 14/2 की कार्यवाही करते हुए इन्हें तोड़ दिया। और हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि यदि हम लोग 14/2 के किसी भी हिस्से में अपने 625 स्क्वायर फीट जो हमारा कब्जा है, उसके अलावा हम यदि किसी पर काबिज तो उसे शासन तोड़ सकता है, जो भी उसकी कार्यवाही, उनकी प्रक्रिया को कोई इन्हें फॉलो नहीं किया। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी इनके द्वारा कार्रवाई कर दी गई, आपने स्टे नहीं बतलाया प्रशासन? हमने बहुत सारी प्रतियां, 10-15 प्रतियां हमने कलेक्टर साहब को भी दी, SDM साहब को भी दी, तहसीलदार साहब को दी, नायब तहसीलदार, सबके यहाँ हमने प्रमाणित प्रतियां। चर्चा के दौरान उन अधिकारियों के द्वारा आपके लिए क्या शब्द उपयोग किए गए? चर्चा के दौरान तो वो यही बोलते थे, इतने ले आओ स्टे, कुछ भी कर लो, नहीं होगा वो तो हम तोड़ देंगे, फिर कंटेंप्ट लगाते रहेंगे। मतलब जिला प्रशासन इतना है कि कोर्ट से भी आगे काम कर रहा है? ये कार्यवाही देख के तो यही लग रहा है कि कोर्ट ने जब आदेश दिया था 3 तारीख को, अगली सुनवाई थी, उसमें साफ लिखा है आदेश में कि अगली सुनवाई तक कोई भी किसी प्रकार का डेमो नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसको उन्होंने पालन नहीं किया। अगली सुनवाई तक रुक जाती, यदि कोर्ट आदेश कर देता हम लोग स्वयं अपना कब्जा हटाने के लिए तैयार। यह तैयारी किसके लिए, लाभ पहुँचाने के लिए की जा रही है? अब ये जो इन्होंने जमीन बेची है पुराने बस स्टैंड की 14/2 प्लाट हुए कहते हैं, उसको जो जिसने खरीदा है उसको बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है, और हम गरीब लोगों का तोड़ के उनको लाभ दिया जा रहा है। सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष लगा हुआ था आपकी दुकान से छट करके, तो हरा पेड़ था उसको भी इन्होंने उखाड़ के फेंका है? हाँ जी, हमारी दुकान में हमारे दादाजी ने 2 वृक्ष लगाए थे, एक नीम का यह भी लगा हुआ, एक पीपल का पेड़ भी था, जो हमारी दुकान के बीचों बीच था, जिसकी छाया पूरे परिसर पर रहती थी हमारी दुकान पे इस तरफ की, तो उसको उन्होंने अपनी जगह निकालने के लिए तोड़ा। अभी आप
इस पर आगे और कुछ कदम बढ़ाना चाहेंगे क्या? जो कार्रवाई दूसरे तरीके से की गई है, एक तरफा कार्रवाई की गई, कोर्ट की अवहेलना की गई है और बिना किसी नोटिफिकेशन के आपकी दुकान को तोड़ा गया है, इस पर क्या आप आगे कदम बढ़ाएंगे? नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन तो ऐसे कि उन्होंने बेदखली आदेश 22 तारीख में जारी किया और वो आदेश जो नोटिस हमको दिया जाना चाहिए वो उसी तारीख में देने की बात होती तो ठीक है, हमको 27 में इन्होंने ये तोड़ फोड़ की, 26 तारीख की रात में 8 बजे इनका आदमी आके हमको घर पर ये नोटिस दे दिया कि ये आपका बेदखली आदेश जो कि 22 तारीख में जारी हुआ। अब इस कार्यवाही से तो हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम तो आगे अवहेलना की कार्यवाही करेंगे कोर्ट में। क्या नाम लिखते हैं? अभय कांत मिश्रा जी ने बताया कि कानून प्रक्रिया जिले की जो चल रही है वह धनाढ्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वह किसी भी हद तक काम कर सकते हैं, जैसा कि कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया था इस दुकान को बच्चा अभी निर्धारित स्थान पर रहने के लिए, लेकिन हरे भरे वृक्षों के लिए बड़े बड़े जो प्राचीन 50 साल 60 साल पुराना वृक्ष लगा हुआ था उस वृक्ष के लिए भी बड़ी बेरहमी से काट करके यहाँ पर फेंक दिया गया है, जिससे पूरे परिसर में छाया रहती थी। यह सब प्रक्रिया प्रशासन का है, ये रवैया देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्रूरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए इन्होंने इनके द्वारा यह कार्यवाही की गई है। यदि प्रशासन इस प्रकार से कार्यवाही करते, जैसे कि अभी एक आदेश जारी हुआ था कि बरसात लग चुकी है और इसमें किसी भी व्यक्ति के घर परिवार या कोई भी ऐसे स्थान के लिए ना तोड़ा जाए जिससे कि वह बेरोजगार या परिवार चलाने में असक्षम हो, तो ऐसी कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है जिस पर कोर्ट का भी कोई मायना नहीं रखा जाता। News 99 की टीम आपके साथ सदा जुड़ी हुई है, ऐसे कोई विषय हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। News 99, जय हिंद, जय भारत।